हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड जीआईटी एजेंट में से लास्ट टॉपिक एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब ऐसे एजेंट्स या ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटी मतलब अगेंस्ट, और किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करने वाले कंपाउंड। तो हम इस पूरे वीडियो में इस एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें है कि ये क्या होते हैं, इनसे जुड़ी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स क्या है। यही हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो इतना हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या है। एंटी माइक्रोबियल्स ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हो या इनिबिट करते, दोनों में से कोई एक चीज या दोनों, है ना, ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें को वो डिस्ट्रॉय करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। डिस्ट्रॉय करते हैं मतलब उन्हें किल करते हैं, मारते हैं। दे आर नॉर्मली इन इफेक्टिव इन द स्पोरिंग स्टेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में जो दिए हुए हैं, वो है पोटेशियम परमैंगनेट है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्लोरीनेटेड लाइम है, और आयोडीनेट्स प्रिपरेशन है। इतना हमको इसमें कंपाउंड जो है वो हम फिर किसी एक वीडियो में मैं आपको अलग से पूरे कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो ये जो हम यहाँ पे हमने मेंशन किया ये सब मार्केटेड प्रिपरेशन है, जैसे कि बोरिक एसिड की है, ये डिसइंफेक्टेंट है, ये एंटीसेप्टिक्स है, ये सैनिटाइजर्स है। ये सभी क्या कर रहे हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, सबका एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती है, ये टर्म्स हैं जैसे कि एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, जर्मिसाइड्स क्या है, और बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या है। तो अपन एक एक करके एक एक टर्म्स को पकड़ते चलते हैं और उन्हें समझते चलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एंटीसेप्टिक्स क्या है। एंटीसेप्टिक मतलब सेप्सिस के अगेंस्ट काम करने वाले, तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, जो विरुद्ध में काम करते हो। सेप्सिस मतलब कि घाव वाव वुंड्स जो हो जाते हैं उसमें। तो दे आर दी सब्सटेंस That are able to kill or prevent, मतलब ये मार भी सकते हैं और ग्रोथ को रोक भी सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ऐसे एजेंट्स। दे आर जनरली अप्लाइड और दे आर अप्लाइड टू दी लिविंग टिश्यू, ये इसका मेन पार्ट है। ये किसको करते हैं? लिविंग टिश्यू को पे अप्लाई किए जाते हैं और ये किल या प्रिवेंट करते हैं। एन आइडियल एंटीसेप्टिक शुड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंगी, वायरस और अदर इन्फेक्टिव विदाउट causing any harm to the, मतलब हमारे अगर हम एंटीसेप्टिक जैसे हम डेटॉल यूज करते हैं तो ये हमारी टिश्यू को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि ये किसको किल करना चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहिए। मे बी यूज इन द फॉर्म ऑफ माउथ वॉश जैसे गार्गल वार्गल में, सोप के फॉर्म में, डिओड्रेंट के फॉर्म में, थ्रॉट और नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है। इन जनरल ऑल एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो प्रोटीन डीनेचुरेशन या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की तरह काम करके एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक, जो कि हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में कि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हम पहले हमने एक टर्म देख लिया एंटीसेप्टिक, अब हमारी तीन टर्म्स बची हुई है डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड, तो हम इनको भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? ये जस्ट अपोजिट है या एप्लीकेशन में, वो लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई हो रहा था, ये कहाँ पे होता है? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे। ये जनरली हॉस्पिटल क्लीनिंग में यूज होता है, टॉयलेट्स क्लीनिंग में यूज होता है, इन्वायरमेंटल हॉस्पिटल यूटेंसिल्स में, ठीक है, लाइन यूज इन दी लिनेन यूज दी हॉस्पिटल्स में, मतलब जो बेडशीट उनको डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो ये जनरली लॉन्ग लिविंग, और ये डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ओनली डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, दे डो नॉट इनिबिट, दे ओनली किल।
ठीक है, ये डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है स्मॉल लेट्स में कि ये लिविंग टिश्यू पे अप्लाई होता है, ये नॉन लिविंग टिश्यू पे काम करेगा, मतलब ये नॉन लिविंग चीजों पे अप्लीकेबल होगा। ये डिस्ट्रॉय और इनिबिट दोनों करते हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जैसे कि हम ये घरों में यूज करते हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये डिसइनफेक्टेंट्स हैं। तो डिसइनफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में डिफरेंशिएशन यहां से हमें क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जर्मीसाइड। जर्मीसाइड्स क्या हैं? दोज एजेंट्स विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जर्म्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो अगर वो बैक्टीरिया है तो उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियासाइड, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला। फंगस फंगीसाइड बोलेंगे तो मतलब वो फंगस के अगेंस्ट काम करने वाला है। वायरोसाइड बोलेंगे, वायरोसाइड बोलेंगे तो वो वायरस के अगेंस्ट काम करने वाला होगा। ऐसे एक और वर्ड हमने लिया, बैक्टीरियोस्टेटिक्स। तो दीज एजेंट्स आर प्राइमरीली फंक्शन दी इनिबिट द ग्रोथ। ये क्या कर रहे हैं? ये किल कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? इनिबिट। इनिबिट मतलब रोकथाम कर, किल मतलब कि मारना, है ना, दोनों में अंतर है। दस द बैक्टीरियोस्टेटिक्स आर द एजेंट दैट डू नॉट किल। ये क्या किल नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, उसकी रोकथाम कर देंगे। जितना है वो उतना ही रह जाएगा, थोड़े दिनों बाद वो बैक्टीरिया की जो लाइफ खत्म हो जाएगी, वो खुद ब खुद मर जाएगा। ठीक है, तो ये रोकथाम का काम करते हैं। इन दोनों को सम पढ़ने के बाद हमको दो वर्ड मिलते हैं, एक वर्ड ऐसे जिसमें कि साइड वर्ड ये आता है, ये साइडल वर्ड आता है। तो साइडल वर्ड का मतलब होता है किल। तो जहां पे भी साइड वर्ड लगा किसी भी पीछे, तो उसका मतलब होता है कि ये वो एजेंट्स हैं जो कि किलिंग का काम करते हैं। ये कॉमन फंडामेंटल आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि बैक्टीरियोसाइट्स, फंगीसाइड, वायरोसाइड, अमीबियोसाइट्स, जो भी साइड आप लगा रहे हैं, जहाँ पे CIDE आ रहा है, या साइडल आ रहा है, बैक्टीरियोसाइडल, तो इसका मतलब ये कि वो किलिंग का काम कर, मारने का काम कर रहे हैं, ऐसे एजेंट्स। और एक और वर्ड आता है स्टेटिस, जो हमने यहाँ पे भी देखा है, इस जगह लगा हुआ है। ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, मतलब कि रोकथाम, इनिबिशन करना। तो बैक्टीरियोस्टेटिस मतलब कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हो, ये बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि जो बैक्टीरिया को किल करते हो। तो साइडल या साइड का मतलब क्या हो गया? किलिंग। और स्टेटिस का मतलब क्या हो गया? रोकथाम या इनिबिशन। तो ऐसे हम इसमें फंगीसाइडल, वायरोसाइडल, अम्यूबोस्टेटिस, फंगियोस्टेटिस और वायरोस्टेटिस बोल सकते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिस, फंगियोस्टेटिस बोल सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, जब आप हायर सेमेस्टर्स में एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो ये फिर से आएगा, साइडल और स्टेटिस, है ना। तो ये आप वहां पे भी सेम एप्लीकेशन है, इसलिए इस फंडामेंटल्स को याद रखिएगा। चलिए, तो हमारी सारी बेसिक टर्म्स हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने एंटासिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वहां तो हमको सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, यहाँ हमको सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके एजेंट्स हैं। तो ये सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम वन बाय वन देखें। चलिए, पहला, इट शुड पोजेस एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड। अब देखिएगा, साइड वर्ड आ रहा है ना, किलिंग में एक्टिविटी, कोई भी एंटीमाइक्रोबियल हो बट नॉट बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी, मतलब स्टेटिक नहीं होना चाहिए, रोकथाम ही होना चाहिए, किलिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा? अगर वो किलिंग नहीं किया जाएगा तो दे में रिज्यूम द ग्रोथ, वो वापस से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं या मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अच्छे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो जनरली एंटीसेप्टिक्स या जर्मिसाइडल इन नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं हम, इट शुड बी रैपिड ऑनसेट एंड सस्टेन्ड एक्टिविटी। रैपिड ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये दो वर्ड याद रखिएगा, या फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तभी याद आएगा आपको, तब आपके काम भी आएगा। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ये वो पोजीशन जहां से वो अपना एक्शन देना चालू करता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि वो कितने समय के लिए दे रहा है। ठीक है, मतलब आप घर से कितनी बजे चले और यहां से वहां तक कितनी देर में पहुंचे, ये दोनों अलग अलग चीज। तो ड्रग ने अपना एक्शन कब से देना चालू किया, लेने के बाद, वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और वो कितने समय तक वो असर रहा, वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि
रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए, फटाफट वो एक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और उसके बहुत देर बाद वो अपना एक्शन दे रहा, ठीक है। और सस्टेंड एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब वो लंबे समय तक दे एक्टिविटी उसकी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। थर्ड पॉइंट, गुड थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि वो कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट दे सके, ठीक है। थेरापेटिक इंडेक्स में मतलब वो बहुत ज्यादा अप्लीकेबल ना हो कि हम लीटर सा लगाएं तब जाके वो जर्मिसाइडल या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं। वो एक मिनिमम अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में एप्लीकेबल होना चाहिए और उसका एक्शन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं गुड थेरापेटिक एक्टिविटी, ठीक है। थेरेपी में वो अच्छे से काम आए। चलिए नेक्स्ट, शुड नॉट कॉज द लोकल सेलुलर डैमेज। तो ये तो हमने पहले भी देखा कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स में यही डिफरेंस था। तो वो कोई सा भी हम यूज कर रहे हो जो भी लिविंग चीज पे, वो लोकल सेलुलर या हमारी जो जहां पे एप्लीकेबल है उस सेल को डैमेज नहीं करना चाहिए, है ना। एंड शुड नॉट इंटरफेयर विद द बॉडी डिफेंस सिस्टम। इट शुड शो नो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। मतलब हमने जैसे खुले घाव वाव पे लगा रहे हैं तो ओपन एरिया है बॉडी का, अगर हम उस पर लगा रहे ब्लड भी आता रहता है, हो सकता है ऐसा पस फॉर्मिंग हो रहा, और वहां पे एंटीमाइक्रोबियल लगा रहे हैं तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके वहां पे कोई टॉक्सिसिटी ना दे, ठीक है। या हम कभी टॉपिकली एप्लीकेशन कर रहे हैं तो भी वो कोई साइड इफेक्ट ना दे, ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरह की उसकी टॉक्सिसिटी तो होना ही नहीं चाहिए, भले वो सिस्टमेटिक हो या लोकल हो। तो ये ऊपर जो लिखा है वो लोकल है, नीचे जो लिखा है वो, ये वाला पॉइंट जो लिखा है वो लोकल है टॉक्सिसिटी, और ये सिस्टमिक टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल। चलिए अगले पॉइंट ले लेते हैं हम। इट शुड हैव ए इन जनरल गुड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, स्पेक्ट्रम मतलब कि सब तरह के एक्टिविटी, मतलब सब तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा सभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ नहीं होता है। तो सभी माइक्रोब्स मतलब कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर सके। जैसे बैक्टीरिया भी दो तरह के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। फंगस भी अलग अलग तरह की होती है ना, वायरस भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्टिव हो, अगर हम उसको एक कॉमन एंटी माइक्रोबियल एजेंट ले रहे हैं तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, सभी तरह पे एप्लीकेबल होना चाहिए, यहाँ कहने का मतलब ये। और लास्ट पॉइंट क्या है इसमें कि शुड हैव फेवरेबल लिपिड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट को ले रहे हैं तो वो लिपिड और वाटर कॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो पानी में भी उतना ही घुलना चाहिए जितना कि वो लिपिड में घुलना। लिपिड मतलब कि ऑयली नेचर, ठीक है, तेल और पानी जिसको हम बोल सकते हैं। तो लिपिड मतलब कि तेल जैसा और वाटर मतलब पानी, ठीक है। तो दोनों में उसमें घुलने की उसमें क्षमता होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव और बेस्ट एक्शन दे पाएगा, ठीक है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम और इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि आगे अब क्या है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन। तो ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन है, जिंक परऑक्साइड है, सोडियम परबोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, केमनोफोर, ये हमारे सब सिलेबस में है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, केमनोफोर, ये हमारे सिलेबस हमने आगे देखा था। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है और क्लोरीनेटेड लाइम है, मतलब हमने ये तीन सॉल्यूशन जो है हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और तीनों के तीनों जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह। आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, ये भी हमारे सिलेबस में, तो आयोडीन एंड इट्स आयोडीन प्रिपरेशन और पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ये कौन कौन से होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट हो सकते हैं, माइल्ड सिल्वर प्रोटीन्स हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी एजेंट्स हैं जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एंटीसेप्टिक जितने होते हैं वो जनरली प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के थ्रू वर्क करते हैं। मर्क्यूरिक कंपाउंड्स क्या है, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, अमोनिएटेड मर्क्यूरिक है और मर्क्यूरिक क्लोराइड है। सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स, जैसे जो सल्फरेटेड पोटाश है, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सल्फरेटेड पोटाश है, सेलेनियम सल्फाइड है और कैडमियम सल्फाइड। इसके अलावा बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, जैसा मैंने कहा शुरुआत में आपको एक डायग्राम भी दिखाया, ये भी
क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किए जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह। एंटीमनी कंपाउंड्स में आ जाएगा एंटीमेडियम सोडियम ग्लूकोनेट और स्टीबोफेन। तो दीज आर दी एजेंट्स विच आर क्लासिफाइड। तो हम इनको इस तरीके से, ये तकरीबन सात तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ये माइक्रोबियल एजेंट्स तो पढ़ लिए, अब इनका हमको क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने जितने माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़े, ये तीन तरीके से अपनी मैकेनिज्म एक्शन या अपना असर, जिसको हम बोल सकते हैं, तीन तरीके से दे सकते हैं। और इसकी तीन मेथड है। पहली क्या है, ऑक्सीडेशन, दूसरा है हैलोजिनेशन, और तीसरा है प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहला मैकेनिज्म हम देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऐसे एजेंट्स जो कि परऑक्साइड इन नेचर होते हो, पर ऑक्सी एसिड्स होते हो, या जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को लिब्रेट करें, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट या जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, और सर्टेन ऑक्सो हैलोजन एनायंस आल्सो। तो ये सभी एजेंट्स जो हैं वो किस तरह एक्शन देते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देगा। दीज एंटी इफेक्टिव एजेंट्स ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ, ये मैं थोड़ा सा मटेरियल यहां पे क्लिक कर देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। अब एक्टिव फंक्शनल ग्रुप किसके, प्रोटीन और एंजाइम्स के। तो प्रोटीन और एंजाइम्स को अगर डिग्रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका फूड प्रोडक्ट ही मिल पाएगा तो थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद मर जाएगा। ये हो सकता है कि सेल लाइसिस हो जाए, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ये होता कैसा है, ये आल्सो क्या कर सकते हैं, चेंज इन द कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब कि उनके साइज शेप में, उनके ओरिएंटेशन में, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक एक शेप लिए हुए होते हैं, तो उनका कन्फर्मेशन मतलब उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो अल्टर कर देते हैं। ये भी एक फंक्शन है, उसको एक्टिव फंक्शन ग्रुप को चेंज कर देते हैं तो वो भी एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्री सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, तो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप का ये लिखा हो, आर इट कैन बी स्पेशल फॉर दी वेराइटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। अभी इसमें क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये सल्फाहाइड्रिल ग्रुप क्या है, ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, अल्टर्ड बन जाएगा। तो ये जो है ये प्रोटीन किसी काम का नहीं रहेगा, ये एंजाइम किसी काम का नहीं रहेगा, और वो अपना एक्शन नहीं दे पाएगा। दिस फ्री नेचर ऑफ सल्फाहाइड्रिल ग्रुप डेट डिस्ट्रॉय बाय द ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन टू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो है वो चेंज होकर डाइसल्फाइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फ्री फॉर्म में, SH SH दोनों तरफ से फ्री फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल गया और क्या बन गया, दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फर ग्रुप आपस में जुड़ गए। तो इसके कारण क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो या तो वो काम का नहीं रहेगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। अब अगली देख लेते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन के बाद हमारी नेक्स्ट कौन सी है, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है ये देखना है। हैलोजिनेशन तो हम बोल रहे हैं हेलो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, हैलोजन्स होंगे, तो जैसे क्लोरीन, हाइपोक्लोराइट, आयोडीन, ये सभी जो मैकेनिज्म देते हैं ये कैसे देते हैं, बाय द हैलोजिनेशन एक्शन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और प्रोटीन मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो होता है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, दो अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से, है ना, दो अमाइनो एसिड। दिस कैटेगरीज ऑफ द एजेंट, अब ये जो हैलोजिनेशन एजेंट है ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन कर देते हैं। और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन कैसे करते हैं, दे आर एक्ट ऑन द पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज को अल्टर कर देंगे या उसको तोड़ देंगे या उसका मॉडिफिकेशन कर देंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा और डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। एज द हाइपोक्लोराइड, जैसे हमने यहाँ पे हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ है, तो हाइपोक्लोराइड कहाँ है, ये आर फाउंड इन द क्लोरिनेटेड पेप्टाइड लिंकेज। द एंटीसेप्टिक हैविंग द हाइपोक्लोराइड फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ माइक्रोबियल एक्टिविटी बाय द क्लोरिनेशन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये प्रोटीन है, एक अमाइनो एसिड यहाँ जुड़ा, एक अमाइनो एसिड आपस में ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज में जो हाइड्रोजन है वहां वो कैसे रिप्लेस हो जाता है, क्लोरीन से, तो ये उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, क्लोरीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लोरीन एटम ऑन द नाइट्रोजन पेप्टाइड लिंकेज कॉज द चेंज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैसिलिटी।
तो वो जितना उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का जो ओरिएंटेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। ओरिएंटेशन मतलब कि जमावट, वो किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, और इससे प्रोटीन फंक्शन जो है वो अपना नहीं कर पाएगा और इससे डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म, सिंपल सी मैकेनिज्म है, आपको ध्यान रखना है पेप्टाइड लिंकेज से रिलेटेड है। इससे पहले वाली जो थी वो हमने ऑक्सीडेशन देखा था, उसमें बॉन्ड आपस में बन गया था, फ्री फॉर्म के जो ग्रुप थे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में कन्वर्ट। आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो है वो हमारा कौन सा है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जो है ये जनरली कौन देता है, मेटल आयंस, ठीक है। मेटल आयंस क्या करते हैं, मेटल आयंस क्या करते हैं, प्रोटीन जो है वो एक पोलर ग्रुप की तरह वर्क करेगा। कौन का प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन में कौन प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट है वो किस तरह वर्क करेंगे, लिगेंड की तरह, और मेटल किस तरह की वर्क करेगी, लेवेस एसिड की। तो ये क्या होगा, दोनों क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे, चिलेट फॉर्मेशन, जैसे कि हमने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन और लिमिट टेस्ट ऑफ लेड में देखा। लिमिट टेस्ट ऑफ में हमने देखा था कि थायोग्लाइकोलिक एसिड आयरन से एक चिलेट फॉर्मेशन कर लेता, कॉम्प्लेक्स बना लेता, मेटल है वो भी आयरन है ना। तो वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसमें, मेटल आयन जो भी हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट में प्रेजेंट होगी उसमें। इसके कारण क्या होगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो वो काम का नहीं रहेगा, तो डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली तीनों में ही हम देख रहे हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड हो रहा है ना, तीनों ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में प्रोटीन आ रहा है, ठीक। लेकिन इस तरह के प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में जो एजेंट है वो प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स और प्रोटीन ऑफ होस्ट में, मतलब कि माइक्रोब के प्रोटीन और हमारे प्रोटीन जहां पे उसको एप्लीकेबल कर, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो दोनों के प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। तो होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि ये क्या होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, क्या काम करते हैं, किस तरीके से वर्क होता है, क्या क्लासिफिकेशन है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पीछे, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।